Assalamu alaikum, my name is Seerat Sial. As you guys know, I'm admin of MBA, which is bloggers and project head at PNY Pink. Today we are visiting a salon designer, a complete concept of salon. और इनकी ब्रांचेस तो बहुत ज्यादा हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट, मेनी अदर आर देयर. लेकिन आज हम जिस ब्रांच में हैं वो है लाहौर में, इलामा इकबाल टाउन में. ब्रांच इज रियली गुड एंड एम्बियंस इज रियली नाइस. लेकिन आज जिस चीज की इम्पोर्टेंस है, दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्राफेशियल. और हाइड्राफेशियल इज अ न्यू ट्रेंड. एट द सेम टाइम न्यू ट्रेंड होने के साथ साथ पीपल आर हैविंग लॉट्स ऑफ मिथ्स अबाउट दिस. और इसकी राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीनरी बाय कर लेना इज नॉट द राइट चॉइस. आपको मशीनरी के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. बेसिकली ट्रेडिशनल डर्माब्रेजन इज वन थिंग विच इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल मार्केट. और डर्माब्रेजन आपको फॉरन स्किन पे इसलिए सूट कर जाती है बिकॉज वहां पर सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता. बट वेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो डर्माब्रेजन यहां पर एक टोटल डिजास्टर है, बिकॉज हमारी वुमेन्स जो कि होम बेस्ड हैं, वो एक सनब्लॉक भी रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाती. जब आपकी स्किन पील होती है तो उसके बाद आपके बहुत सारे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं. सो इन दैट रिगार्ड हाइड्राफेशियल इज गोइंग टू बी अ हाइड्रा डर्माब्रेजन और इट्स गोइंग टू वर्क अमेजिंग फॉर योर स्किन. इसका सबसे मजेदार काम यह है कि आपकी स्किन पे वाटर इनटेक, आपके मॉइस्चर को बढ़ाते हुए, कोलेजन को बिल्डअप करते हुए. जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताती चलूं कि आपकी स्किन की फॉर्मेशन जो है वो बड़े लेवल पे हेलोरॉनिक एसिड के साथ होती है. एंड बाय द टाइम भी ये हेलोरॉनिक अपने साथ कहीं ना कहीं घूमता जाता है वक्त के साथ साथ. सो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ स्किन ट्रीटमेंट विद हाइड्राफेशियल, यू आर गोइंग टू टेकन बैक दैट ऑल हेलोरॉनिक इन योर स्किन. आपकी डेड इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, एक्नी है तो वो डाइवर्सिफाई होती है, ओपन पोर्स हैं तो उसका कोलाजन बिल्ड करके रीजनरेशन पे स्किन को डाला जाता है. ऐसे बहुत सारे सीरम्स, विटामिन सी और ऐसे मटेरियल्स इन्फ्यूज किए जाते हैं जिससे स्किन में एक नई लेयर आए. और वो लेयर आपकी पहली लेयर को इरप्ट करते हुए या डिरप्ट करते हुए नहीं आएगी, वो लेयर बेसिकली रीजनरेट होती हुई आएगी. सो आई विल रिकमेंड इनकी मशीनरी के हवाले से. जो सबसे मेन बात यह है कि जब कोई चीज ट्रेंड में आती है तो वो बहुत सारा आर्टिफिशियल बेस्ड वर्क भी होता है वक्त के साथ साथ. और ये ट्रेंड में आने के बावजूद ऑथेंटिक है, 100% ट्रूथ है. और साथ ही साथ इट्स बेसिकली अ डेली नीड फॉर एवरी अदर वुमन जो कि अपना ख्याल नहीं रखती, पोल्यूटेंस और बहुत सारे मामलात को डेली बेसिस पे हैंडल करती है. और दैट इज वाई वी आर हियर. मुझे सलून डिजाइनर की जो एक और बात बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं इनकी कस्टमर के साथ साथ स्पॉन्सर और पता नहीं कहाँ कहाँ जर्नी जा रही है अब और जाएगी इनशाला, दैट इज हाइजीन. इनका सारा काम हाइजीन बेस्ड है. द प्रोडक्ट्स जो इनके हाइजीन के हैं, दैट्स हाइजीनिक टॉवल्स, देयर हाइजीनिक टिश्यू पेपर्स, मास्क, ग्लव्स, कैप्स. लाइक अभी COVID-19 ने आप सबको बता दिया कि जान बहुत प्यारी होती है, लेकिन यकीन मानिए आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटी इंडस्ट्री में हर 10 में से 5 औरतों को हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है. इन दैट रिगार्ड आपको अपना मास्क वैसे भी पहन के रखना है, ग्लव्स के बगैर वैसे भी किसी को ट्रीट नहीं करना. सो अब इन दोनों की अगर हम थोड़ी सी ज्वाइंट फैमिली बिठाएं तो वो ये है कि हाइड्राफेशियल में आपका अपना पहले सेफ होना, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स को, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स को यूज करना और उसके बाद इस काम को परफॉर्म करना. इट्स गोइंग टू बी अ न्यू चेंज फॉर योर स्किन एंड फॉर योर कस्टमर. अपने कस्टमर्स को भी और अपने इर्द गिर्द के उन तमाम औरतों को जो अवेयरनेस चाहती हैं, जो ग्लो चाहती हैं. सबसे बड़ी बात यह है जी, ग्लो सबकी फेवरेट है. यू आर नॉट गोइंग टू यूज हाईलाइटर फॉर गेटिंग अ ग्लो आफ्टर हैविंग अ हाइड्राफेशियल. आपको ग्लो हाइड्राफेशियल करवाने से ही मिल जाएगी. So don't wait much of that or go for it and that's it. Okay. तो मैं अब आपको हाइड्राफेशियल की इक्विपमेंट की डिटेल जो है वो बताना चाह रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो इनके बारे में मेरे से भी ज्यादा अच्छा शायद एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं उनसे पूछें. जी सर, आप बताइए थोड़ा सा हमें इस डिवाइस के बारे में, हाउ इट्स गोना यूज, इसके पर्पज क्या है. और ये हाइड्राफेशियल है, इसमें सबसे पहले आती है जो डीप क्लींजिंग करते हैं, इसका वो टूल्स हैं. अच्छा, इसका सबसे पहले फर्स्ट होता है जो हम सीरम के साथ इसकी क्लींजिंग करते हैं. अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पे पोर फिल्मेंट है ऊपर. ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके पोर से, आपकी स्किन से सब कुछ सक आउट करने की कैपेसिटी रखता है. और उसके शेप ही इस तरह बनी हुई है कि वो स्किन के जो अपने रिजिड्स हैं उसको खराब नहीं करेगा.
इसके बाद इसके बाद सीरम के बाद होता है ये गैल्वेनिक है जी। इसमें जो रिंकल्स के लिए होता है जेल के साथ हम फेस पे इसको अप्लाई करते हैं। इस टूल का बेसिकली जो मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूंगी, इस टूल का जो मेन पर्पज होता है वो ये है कि लिम्फैटिक ड्रेनेज का काम करता है आपकी स्किन पे। जब आपके लिम्स में बहुत ज्यादा ड्रेनेज इकट्ठा हो जाता है तो वक्त के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो अपने आप रिलक्टेंट हो जाती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर। तो दिस एक्चुअली हेल्प फॉर द लिम्फैटिक ड्रेनेज, जिससे एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसके बाद थ्री स्टेप आ जाएगा इसमें, ये इसका है सीरम जिसको करवाना, हम सीरम स्किन पे अप्लाई करते हैं उसके साथ ये इसका होता है जो जिसे हम सीरम को स्किन के अंदर मतलब एज ए सर्टिफाइड एस्थेटिशियन मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी एपिडर्मल लेयर जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके अंदर कोई चीज प्रेशराइज करके पुशिंग करने के लिए यू नीड अ फ्लैट सर्फेस। सो ये मेटल इज गोइंग टू पुश एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स योर सेकेंड लेयर, क्योंकि आपके स्किन इश्यूज जब बने होते हैं तो वो डर्मिस तक अपेयर हो रहे होते हैं, तो इसलिए वी नीड अ पुश प्रेशर टू गेट ऑल द थिंग्स राइट। इसके बाद इसका आगे स्कल्पिंग जो फेस पे होता है, ब्लैक हेड्स वगैरह करने होते हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टूल बिकॉज इसकी वजह यह है कि इसका जो काम है दैट्स बेसिकली आप फेस रेजर यूज करते हो, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, केमिकल पीलिंग करते हो, ये एक टूल वो सारी जॉब कर सकता है। आपकी सारे डेड लेयर्स को एक मिनट में पील ऑफ करता है विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर टू योर टिश्यूज। और हमारे पास अब मेरा ख्याल है लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसके बाद ये होता है कूल हैमर जी, जो इसके बाद स्किन रेडिश वगैरह हो जाती है उसको स्किन को नॉर्मल करने के लिए, कूल करने के लिए इसमें ये होता है कूल। क्योंकि आपकी स्किन का जब टेम्परेचर रेज होता है, वही बात आ गई कि डर्माब्रेजन आपको हाइड्राफेशियल का जो हाइड्रा डर्माब्रेजन है वो इसीलिए बेहतर है कि आपकी स्किन का जब टेम्परेचर रेज होता है और उसके बाद अगर आप सन एक्सपोजर करवाने वाले हैं थोड़ी देर बाद तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा खराब हो सकती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट उस चीज में हेल्प करता है आपको। लास्ट में होता है ये सीरम अप्लाई करना है हमने जी, इसमें कोई भी सीरम आप यूज कर सकते हैं, स्किन पे आपने करना है, वाटर से भी कर सकते हैं इन्फ्यूजन, सीरम इन्फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक हो गया। और सीरम्स का अगर बताते चले तो आई कैन सी सम रियली गुड प्रोडक्ट्स आउट देयर जो कि आपको जो सबसे ज्यादा इसमें भी मेन चीज है वो ये है कि इन सारे सीरम्स के अंदर या ये जो एवलाइन है इसके अंदर भी यू विल फाइंड विटामिन सी विच इज रियली गुड फॉर योर स्किन, एट द सेम टाइम हेलुरोनिक एसिड एंड देयर इज मच मोर टू हैव इट। इसके बाद हमारे होते हैं लास्ट जो होते हैं हम मास्क लगाते हैं, एलईडी मास्क होते हैं हाँ जी, इसमें 7 लाइट्स हैं मुख्तलिफ इसमें होती हैं जी। लाइट थेरेपी इज बेसिकली आपको पता है लाइट थेरेपी, आप ओजोन थेरेपी, लाइट थेरेपी, ये एक नया लेटेस्ट ट्रेंड है। तो मास्क से स्किन को डिफरेंट कलर्स, जैसे कलर्स की वैसे भी बारे में कहा जाता है कि कलर्स जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिवेल्प करते हैं, जैसा आप रंग पहनना शुरू करते हैं वैसा मिजाज हो जाता है। सो स्किन का मिजाज भी उस मास्क के हिसाब से होता है जिस मास्क को यहाँ पर हम लोग रेडियो एक्टिव थेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, सो दिस इज अबाउट हाइड्राफेशियल जो कि हम लोग आपको डिटेल्स दी है, शॉर्ट दी है लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल ऑथेंटिक दी है, आपका टाइम कम लिया है ताकि आप लोगों को राइट नॉलेज मिले और इसको यूज करने के लिए इसका सही जगह से बाय होना और उसके बाद सही टेक्निकलिटीज आना और थोड़ा बहुत स्किन का नॉलेज होना, बल्कि बहुत ज्यादा स्किन का नॉलेज होना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पा देता है सीरम आपका। बोल रही हूँ, बताया क्या बोलूँ, कंटिन्यूसली जो आपने बताया
देखिए अल्ट्रासाउंड के ऊपर बताया पेनिट्रेशन के लिए इफ यू बाय एनी सीरम यू हैव टू पेनिट्रेट इट व्हाई वी आर नॉट अप्लाइंग इट बिफोर स्क्रबर बिकॉज स्क्रब इज गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट जस्ट लाइक मैनुअल हम पहले एक्सफोलिएशन करते हैं आफ्टर एक्सफोलिएशन हम सीरम अप्लाई करते हैं सेम एज स्क्रबर किया एंड देन अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं सीरम अप्लाई कर दिया एंड देन अल्ट्रासाउंड पेनिट्रेशन इट इज ओनली फॉर पेनिट्रेशन मिस कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज बता दीजिए पेनिट्रेशन दैट्स इट जिस वक्त अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं तो ये साथ साथ ड्राइव कर रहा है कि या ये मतलब वाज़े डिफरेंस होता है कि आम एक नॉर्मल सीरम लगाए इट विल टेक 5 मिनट्स टू पेनिट्रेट और अल्ट्रासाउंड से विद इन सेकंड्स राइट अच्छा तभी आप वो अगेन एंड अगेन स्प्रे करेंगे और फिर उसके बाद अगर हम कॉम्बो बनाते हैं ऑफ डिफरेंट सीरम तो आप 5 ml तो इट विल बिकम 15 ml व्हिच इज लाइक 8 टेबल स्पून बन जाता है 15 ml हम 15 ml पूरा ही नहीं यूज़ करेंगे हमें हम ड्रॉप्स में यूज़ कर ड्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं ठीक है 15 ml हमने ज़रूरी है हमें 5 ml ही की क्वांटिटी में एक क्लाइंट के फेस पे 5 ml ही यूज़ करना है ठीक है लेकिन क्योंकि हमें उसको मिक्स किया है हमने एक फॉर्मुलेशन बनाई है कि वाइटनिंग और उन सबको ऐड किया तो ज़रूरी है कि 15 ml ही हमने उसके फेस पे लगाना है हमें 5 ml ही चाहिए और उसके मैक्सिमम लिमिट इज 5 ml और आपको पता है कि हाइड्रा मशीन इतनी सारी तो होती नहीं है कि और क्लाइंट की अपॉइंटमेंट होती है अगर एक घंटा एक क्लाइंट में लग रहा है तो फिर आपको पता है वो थोड़ा सा स्पीडली भी हमें करना पड़ता है कभी कभी इसमें सॉरी आपने कहा एवरी टूल 10 मिनट अप्लाई करता है ठीक हो गया कितने टूल्स हैं हमारे पास तकरीबन 5 to 6 ये वो नहीं है जो प्रॉपर नहीं ये सिर्फ पेनिट्रेट कर रहा है बहुत कम वाइब्रेशन लाइट से फील होगा अभी ये देखिए मैंने लगाया है और लगाते ही ये आपको फील हो रहा है बिल्कुल ड्राई होता जाता है सब अच्छा जो आपने सीरम के लिए वो अप्लाई पकड़ा है टेक्निकल नेम इसका क्या ऑक्सीजन सीरम्स के बाद आप क्योंकि ये हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं सीरम ये हाइड्रा का उसमें नहीं आता है ठीक है ये हमारी अपनी क्लाइंट की हम सेटिस्फेक्शन के लिए या उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना है तो हम ऐड कर सकते हैं अदरवाइज आप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती स्प्रे में और मास्क आपको पता पहनना बहुत ही जरूरी है स्पेशली जब आप कर रहे होते हैं अभी तो हम लोगों ने कोरोना की वजह से पहना हुआ है लेकिन जब आप आईलैशेस या आप ये करते हैं हाइड्रा करते हैं बहुत जरूरी है कि मास्क आपका क्योंकि आप बहुत गरीब है आप बोल भी रही हैं तो पेनिफिट हो जाए आपका 5 ml जब हो जाए इसके
सी वाला नहीं, वो यूज नहीं कर सकते इसमें, वो क्लीनिंग के लिए ये हम पेनिट्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हमने क्लीनिंग के लिए यूज करना है। और जब आप ये एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं उसको थोड़ा सा प्रेशर आपने रखना है इस तरह। ठीक है, तो बहुत लाइटली स्किन पे सुपरफिशियल लेयर नहीं, आपने थोड़ा सा इसको पुश करना है। जिस तरह हम लोग बायो हैंडल यूज कर रहे हैं ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, इसको 15 दे सकते हैं, 8 मिनट्स और 10 मिनट्स दे सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की स्किन है। रिंकल्स वाली है तो हम उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, जो यंगर स्किन है हम उसको कम टाइम देंगे, क्योंकि सीरम ने तो पेनिट्रेशन करनी है। हमारे पास अभी आपके पास जो है ना पोर्स ओपन है, अब आप इसमें जो भी चीज ऐड करेंगे ना वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगी, फिर हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो उसमें सीरम हम कितना फेस है, कितना बड़ा है, इतना ही होता है ना। थोड़ा लार्ज किया है ताकि हमारी पेनिट्रेशन डीपली हो जाए, फिर जब हम पेनिट्रेशन कर लेंगे अपने सीरम्स की, तब हम क्या करेंगे उनको वापस उसी साइज में हम ले आएंगे, क्लोज नहीं करेंगे। मजे आपको पता है ना स्किन भी अलाइव होती है, स्किन चेक करवाती है जैसा आपका नजर आ रही है स्क्रीन पे, देखें थोड़ा ग्लो आपका फील हो रहा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो था, हमने स्टार्ट में कूलिंग पैड फोर्स हमने ओपन किए टू पेनिट्रेट द क्रीम्स और सारा प्रोसेस करने के लिए, जो पोर्स हमारे पास ऑलरेडी लार्ज पोर्स की स्किन पर आती है, जब लड़कियों ने कम टाइम देंगे उनको थोड़ा, हम क्या करेंगे उनको कम टाइम देंगे, उनको हम जब बायो हैंडल यूज करेंगे थोड़ा सा कम टाइम देंगे, हम जब पेनिट्रेशन करवा रहे होते हैं या हम कूलिंग पैड है जो जैसे कि अभी ये लॉक कर रहा है और ये साइज जो है वो नॉर्मल करेगा, तो हम इसको टाइम ज्यादा देंगे इस टूल को जिनके लार्ज है पोर्स लार्ज है। आपने रखना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2-3 सेकंड्स के लिए आपने इसकी कोई नहीं होगी, 3-4 सेकंड्स आपने इसको टाइम देना है एक जगह पर। अभी ये क्या कर रहा है कि ये लॉक कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है स्किन को, जितने भी आपके रैशेस या आपने सारी स्किन को डिस्टर्ब किया, टिश्यूज को छेड़ा है आपने, उन सबको ये नॉर्मल कर देगा, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। टाइम बड़ा हैप्पी होके जाता है, मैंने आज हाइड्रा करवा लिया, आपको पता वो खुशी से इतनी अच्छी उसकी स्किन ऑफ करती है। जब आप सीरम के साथ और मास्क के साथ कर रहे होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि आपको टीम बनानी पड़ती है इसकी, सिंपल हाइड्रा अगर कर रही है सिंपल हाइड्रा उसके साथ, तो फिर ये तकरीबन लाहौर में जो चार्ज कर रहे हैं वो 4,000-5,000 चार्ज कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर सीरम सिर्फ ऐड कर रहे हैं तो 6,000-7,000 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब हम पीलिंग पे आ जाते हैं तो हम 12,000 पीस के चार्ज करते हैं, अगर हम पीलिंग के साथ कर रहे हैं मतलब ट्रीटमेंट के साथ हाइड्रा दे रहे हैं तो फिर हम 10,000-12,000 पे भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप प्रोडक्ट कौन सी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, तो फिर वो कॉस्ट आप निकालिए अपना। अब लीन के इसमें मास्क
मास्क आप ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज फिर इसके बाद हम एलईडी लाइट लगाते हैं और इसके बाद फिर अगर आपका क्लाइंट के जी इतनी जल्दी हाइड्रा कर दिया है, आधे घंटे में हाइड्रा हो गया है, मास्क जरूरी है, सेटिस्फेक्शन एलईडी मास्क जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, एलईडी मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरा मास्क ये कॉलेज में सबक आपको पता है हाइड्रा के साथ जो हम ये मास्क यूज कर रहे हैं ना कॉलेज में बहुत इफेक्टिव है, 20-25 मिनट्स के लिए लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बहुत सुपर रिजल्ट है। लास्ट में मैं गोल्ड मास्क के लिए भी लगा सकते कॉलेज में मास्क के, फिर इसके बाद आपकी एवलिन के लिए ये हलरॉनिक ड्राई स्किन के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। वैसे तो हमने बहुत अच्छा सा लिफ्ट कर लिया है हाइड्रा से, लेकिन एक्स्ट्रा किसी को एक्सट्रीम अगर कुछ ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत देर तक चाहिए होता है, उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते किसी को कोई स्कूल में से समझ ना आई हो मुझे बता दें। मैडम अल्ट्रासाउंड लेग मतलब शेप में एक जैसे ना शायद ये गोलाई है, ये कूलिंग दे रहा है। अच्छा और वो डिफरेंस फील हो जाएगा अच्छा। वो पेनिट्रेट कर बाद उसमें थोड़ी सी हीटिंग भी है। मैडम इनके नेम लिखा है कूलिंग पैड के साथ, यहाँ पे कूलिंग पैड मेंशन है, स्क्रबर के साथ यहाँ पे स्क्रबर का मेंशन है, ये ऊपर स्क्रीन पे भी मेंशन है, जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं ना आप यहाँ से टच करेंगे, कल आपको ये अपग्रेड करना भी बताएंगे अगर आप लोग ये वो बताती हैं आपको मैं भैया ये सर हैं यहाँ पर आपके साथ, ये आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इसको 8-10 मिनट्स मस्त कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बोलेंगे ये वाला पार्ट कुछ नहीं करता, बहुत ज़्यादा करता है। आपको पता है ये अभी मैं एलईडी लाइट का बताऊंगी, उसमें जो लाइट्स है ना जब हमने ये सारा कर दिया ठीक है सेम वही काम एलईडी लाइट फिक्स कर रही है, उसमें डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर रही है, एक्ने को डील कर रही है, एक्ने स्कार्स को डील कर रही है, और जितनी भी आपकी ये जो फाइन लाइन्स हैं ये उसके लिए रेड लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है इस सब में, वो भी क्या करती है आपके बैक्टेरियाज को फील करती है ठीक है, तो बैक्टेरियाज फील हो जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर एक्ने वाले फेस पे रेड लाइट देते हैं, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि आपके जो बैक्टेरियाज बना रही है वो फील कर रही है ठीक है, और वो एक्ने के लिए बेस्ट है रेड लाइट, और आपकी जो ग्रीन होती है जैसे आपकी आपको पता थोड़ा सा उसका कूलिंग इफेक्ट है, तो जिनके स्वेलिंग होने की वजह से पेन फील हो रही होती है स्किन वो उसके लिए होती है, वाइट जो है वो रिंकल्स मास्क थेरेपी दे रहे होते हैं। किस तरह से सिर्फ हमने क्या करना है फर्स्ट वैक्यूम किया ठीक है, जब आप मास्क यूज कर रहे हैं वो एलईडी मास्क यूज कर रही है तो वो इन सब चीज़ों को भी फिक्स कर देगा। अच्छा जी अब इस वाले पार्ट पे जाके हम कोई भी मास्क इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं ना सारा
ये साइड पे ये वाले मास्क अभी आप इनको इनके फेस पे मैं जो यूज करूंगी कोलेजन कर लेती क्या कह रहे कोलेजन चाहिए कोलेजन आप तो देखते हो आप ना आगे तो ये अदर इसको मास्क को कौन सा 15 to 20 minutes इसका टाइम होता है हम 15 minutes के लिए हम एलईडी मास्क में और इसके बहुत फिट रिजल्ट्स हैं अगर आप हाइड्रा भी इसको यूज़ करेंगे ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं टाइम नोट करिएगा 10 मिनट्स का 10 या 15 मिनट्स मैं आपको मतलब स्टार्ट करते हैं ऐसे सारे ज़रा करीब आते हैं मुझे वन बाय वन जो है टूल्स का बताएं और उनके मास्क बताएंगे ठीक है आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएंगे जब तक मास्क अप्लाई करके कितनी देर के लिए होता है हम 10 या 15 मिनट्स सेम जो काम हाइड्रा ने किए हैं हाइड्रा फेशियल ने किए हैं ठीक है वही काम एलईडी लाइट्स भी करते हैं आज का होमवर्क आज ही ठीक है हम आज ही काम करेंगे मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि हम दोबारा रिपीट कर लेंगे आपको
सबक हमारा हाथों वाला है वो सारा अब मैकेनिकल हो गया है. ये मशीन के जो भी हैं, फर्स्ट वी हैव टू क्लीन द स्किन, वी हैव टू रिमूव द मेकअप, आफ्टर दैट वी हैव टू डीप क्लीन द स्किन टू पेनिट्रेट द सीरम्स एंड एवरीथिंग. पहला टूल हमारा वैक्यूम है और सबसे बड़ा बेनिफिट ठीक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इसका लाइक हाइड्रेशन. इस वक्त हमारे पाकिस्तान के हिसाब से हमारे 90% क्लाइंट्स वाइटनिंग क्रीम्स की तरफ हैं, नॉट फॉर द इवन स्किन बट फॉर द वाइटनिंग स्किन. सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइक हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमें रिएक्ट करती है. लेकिन हाइड्रेशन, एज, आजकल यंग बच्चियाँ आती हैं, यंग मीन्स 18 ईयर्स, और उनकी स्किन ड्राइनेस की तरफ हो गई है, मॉइस्चराइज नहीं होती है, फुल ऑफ लाइफ नहीं होती है. सो इसमें जो हम सीखे वो आपका ये सब कुछ आपका आपकी जो फाइन लाइन्स हैं वो हो गए डर्माफ्यूजन, जिन से क्लीनिंग, एक्सफोलिएंट, ठीक है. तो जो इसका जो बेसिक है ना वो यही काम है. एग्जैक्टली, ठीक है. इंस्टेंट, लाइक इंस्टेंट, द पॉइंट इज इंस्टेंट. आजकल कस्टमर साइकी है इंस्टेंट. व्हाट वी आर पेइंग वी शुड गेट इंस्टेंट एवरीथिंग, उसी वक्त हमें पता चलना चाहिए. अदरवाइज फेशियल इज डिलेइंग एजिंग, राइट. और जो अब हम एजिंग को डिले कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि एवरी मंथ अगर आप प्रोसेस लेते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होगा. लेकिन हमें ये मजबूर हमारे क्लाइंट्स ने किया है इसके रिजल्ट्स लेने के लिए. सो दिस इज लाइक मैंने जो परसीव किया है आज क्लास में वो ये किया है. टूल्स की आपको बहुत अच्छी जी हाँ प्रैक्टिस होती तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा था. लेकिन नहीं, मैं आई एम गोइंग बैक, टोटल प्लान था ही टू रेस का. और अगर मेरी कल प्रैक्टिस होगी तो वो और भी अच्छा होगा. आपका हाइड्रा तो है जी, आई एम गोना परचेज इट. हाइड्रा नहीं है या वो तो है, ऐसा कोई इशू है. एम आई डन? इसमें सबक सुना है. आप हम फर्स्ट तो इसका जो है वो हम प्रोडक्ट लगाएंगे और उसको वैक्यूम में जो फर्स्ट मुझे सिर्फ बेनिफिट्स बताने हैं इसके, क्योंकि आपको जो बेनिफिट्स बताए ना फंक्शन इसका क्या है वो हम सबको आता है. इवन के आप यकीन करें कि अब जो ऐसी लड़कियां हैं क्लिनिक में मैंने देखी जिन्हें कुछ नहीं आता लेकिन वो प्रैक्टिकली कर रही हैं. हमें प्रैक्टिकल आता है, हमें प्रैक्टिकली आता है. हाँ, ये करता क्या है, स्किन को क्या करें. जब आपके पास आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा ना तो आप क्लाइंट को बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको गाइड करेंगे कि ये करता है कि हाइड्रा का ये. और फिर आपको कि जब क्लाइंट आपको पे कर रहा है ना 6-7,000 तो वो आपसे पूछेगा. हम कंसल्टेशन नहीं बता सकते, हमने उसको अपने मुंह से बताना है, ठीक है. और आपको पता है कि जब हम कंसल्टेशन कर रहे होते हैं ना उसमें हम ये बता देते हैं हम क्लाइंट को
उसका माइंड भी बनवाए होते हैं और फिर उसकी स्किन काम तो हमें करना ही है ऑब्वियसली, लेकिन हमें जब तक हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे ना कि ये क्या चीज़ है करती क्या है, तब तक नहीं उसको समझ आएगा। मैम ये उसके सबसे पहले कॉलेजन पे काम करेगा आपके जो कॉलेजन में ना स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा और पोर्स जो है बहुत इनलार्ज करेगा, उसको वैक्यूम करेंगे क्लीन करेंगे और इनलार्ज नहीं करेगा, हम लोग क्लीनिंग करेंगे ड्राइंग जिसमें हम लोगों ने ये बात टाइम से बतानी तो हमें पता है जी मैम टाइम को जो प्लांट हम स्किन को साफ करना है, क्लीन करना है, इस पे काम करना है, जिस जो मिस्टेक्स होंगी हमें आपको पता है प्रैक्टिकल करने में ज्यादा टाइम लगता है, आज के ना कल हमारा टाइम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हर टाइप की स्किन को हम क्लीन कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हम लोगों ने तिरासी में सफाई की क्लास बहुत सुपर क्लास रही है, वो कितनी यंगर है, कितनी हेल्दी है, हेल्दी स्किन भी हो सकती है, बहुत जरूरी नहीं है कि अगर आप एज में है तो आपकी स्किन जरूरी है कि एजिंग वाली फील होती है, ऐसा नहीं होता। समटाइम हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं उनकी स्किन यंगर जो गर्ल्स हैं उनसे बहुत अच्छी होती है स्किन की हालत बहुत अच्छी। अच्छा मैम ना मुझे इसकी आरएफ की ज़्यादा समझ नहीं आई, बाकी स्क्रबर हाँ जी इसकी मुझे एब्जॉर्बेशन है बस एब्जॉर्ब सिर्फ अब एलोवेरा जेल या जो भी हम लगाए वो एलोवेरा जेल नहीं है ओके, मानी हमने जो पेनिट्रेशन इसमें करवाया है ना हम लोग सीरम्स की करवाए सीरम्स की कि हम वाइटनिंग दे रहे हैं क्लाइंट को या उसके स्कार्स हैं हम उसके लिए सीरम यूज़ कर रहे हैं या हमें ऑयल को कंट्रोल करना है हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना उसको ये डीप पेनिट्रेट करवा के स्किन के अंदर ठीक है मतलब डीपली पेनिट्रेट करवा के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पर नस्बत इसके कि हम हाथ से ऊपर ही स्किन पर बस लगा देते हैं और फिर उसको टाइम दे रहे होते हैं। और जो ये स्क्रबर है किसी के बहुत ज़्यादा एक्ने वाले हमारे पास फेस आते हैं डर्मा प्लानिंग होती है आप ना एक रेजर उस तरह टाइप की चीज़ होती है उसमें ना हम लोग डेड स्किन उगा रहे हैं सारी रिमूव हो रही थी तो मतलब स्किन के ऊपर अपर लेयर पे काम कर रही थी कि अपर और डीपर दोनों तरह से वर्क कर रहा है स्टिमुलेट कर रहा है अंदर तक आपके वाइब्रेट करके लेकिन इसमें बीपी पेशेंट भी है ना ये सब कोलेजन को एक्टिव कर रहे हैं, उनका बीपी नॉर्मल जब तक ना हो आप नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि वो और ज़्यादा बीपी उनका हो जाता है हाई हो जाता है, डायबिटीज पेशेंट और बीपी पेशेंट इनका ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बताया हम लोग हाइड्रा क्यों प्रेफर करते हैं अपने सैलून पे या अभी क्लिनिक्स पे क्यों चल रहा है, हर टाइप की जो भी आपको स्किन आती है इसका जो मेन तीन मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वो तीन बेनिफिट्स आपकी पूरी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबको ट्रीट कर रहे हैं। कोलाजन नंबर वन, कोलाजन नंबर टू, तीन आपने बेनिफिट्स बताए आप सब बताएंगे अब आप सब बताएंगे जी ना नंबर वन कोलाजन हो गया फाइन हाइड रिंकल और डार्क सर्कल्स हैं और तीन चीजें बस आपको अपने माइंड में मॉर्निंग थॉट पे आपको रिजल्ट चाहिए इमीडिएट रिजल्ट चाहिए आप हाइड्रा पे जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं स्किन ब्लीच कर लेते हैं थ्री डेज तक रिंकल्स बढ़ रही है आपको स्टॉप हो जाता है ये कंफर्म है इसमें।